हमने रासायनिक बल गति बात कर लिया था कुछ, आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनो, सेकंड मतलब जो हेडिंग हमने लास्ट पढ़ाई थी वो क्या थी? अभिक्रिया दर का प्रभाव ना, उत्प्रेरक का प्रभाव। अगली हेडिंग है, देखो हम दो प्रकार की चीजें पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। पहली है अभिक्रिया दर या अभिक्रिया की दर, और दूसरी है अभिक्रिया का दर समीकरण। इसमें अंतर है, अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया का दर समीकरण में क्या डिफरेंस है इसको हम समझेंगे। जैसे मान लो कि a प्लस बी और डैश करके c प्लस डी है, ठीक, या कोई भी अभिक्रिया गिवन है, कोई भी अभिक्रिया गिवन है। जैसे मान लो ये हमने वैसे ही मान लिया दूसरा n2 प्लस 3h2 और डैश करो 2nh3, कुछ ऐसे और भी N2O था, ये बन गया N2 प्लस O2, समथिंग समझ में आया। अब इसको वो कह रहा है, कि बताइए इसका इसका अभिक्रिया का दर क्या होगा। केवल दर, केवल यदि अभिक्रिया का दर पूछ रहा है तो हम सिंपल सा लिखते हैं। मान लो अगर पहले इक्वेशन के लिए लिखना है, पहले समीकरण के लिखना है, तो हम R बराबर लिख लेते हैं A के पदों में dA अपान dt, लिखते हैं ना। B के पदों में क्या लिखते हैं? dB अपान dt। C के पदों में क्या लिखते हैं? dC अपान dt। और D के पदों में क्या लिखते हैं? dD अपान dt। समझ में आया? ये कल के लेक्चर में हमने इसकी बात करी थी। अच्छा, और आप बताइए क्या ये दोनों अभिकारक है? Yes, sir। और ये उत्पाद है? Yes, sir। इसकी मात्रा घटेगी, इसकी मात्रा बढ़ेगी, इसके कारण इसके अभिकारक के आगे क्या लगता है? Yes। और उत्पाद के आगे क्या लगता है? Yes। आसान है, बोलो समझ आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन टू प्लस थ्री एस टू डैश करोगे टू एन एस थ्री, आर बराबर क्या एन टू है? Yes, sir। तो क्या इसको डी एन टू अपान डी टी लिखोगे? डी एन टू अपान क्या इज इक्वल टू है ना एच टू, ये बगल में ऑर्बिट्री कांस्टेंट है। Yes, तो वन बाई थ्री आगे लिखा जाएगा। Yes। और फिर लिखा जाएगा डी एच टू अपान क्या, बोलो समझ में आ रहा है ना। उसी तरह अमोनिया है NS3, तो तुम उसके पदों में लिख सकते हो डी एन एस थ्री अपान क्या डी टी, और दू है ना तो वन बाई टू। फिर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, क्योंकि ये दोनों क्या है? अभिकारक है, उसकी मात्रा क्या होगी? समझ में आ रहा है ना, बोलो भाई। तो ये तो हम कल पढ़ चुके थे, अभिक्रिया दर हम कल पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़नी है अभिक्रिया का दर समीकरण। वास्तव में दर समीकरण होता क्या है, उसको कैसे डिफाइन मतलब कैसे लिखा जाता है, उसको हमें पूरा डिटेल करना है। तो मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया अभिक्रिया का दर समीकरण, अभिक्रिया का दर समीकरण लिखिए, तो आपको कोई भी अभिक्रिया दी गई, एग्जाम्पल के तौर पे ए टू प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है ना, ए टू प्रोडक्ट। ध्यान से सुनो, अभिक्रिया का दर समीकरण हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहली बात कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आप केवल देखकर उसका दर समीकरण नहीं लिख सकते हो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर, जैसे इन अभिक्रियाओं को देखकर क्या हम अभिक्रिया की दर लिख ले रहे थे? बोलो भाई, क्या इन अभिक्रियाओं को देखकर हम उसका दर आर के फॉर्मूला लिख रहे थे ना? बोलो समझ आ रहा है ना। लेकिन कभी भी अभिक्रिया का जो दर समीकरण है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर नहीं लिखा जा सकता है, उसे लैब में प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग करने के पश्चात जो परिणाम निकलता है उस परिणाम के आधार पर हम उसका दर समीकरण लिखते हैं। तो पहली बात क्लियर हुई? पहली बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि दर समीकरण हम अभिक्रिया को देख के लिख सकते हैं, ठीक, लेकिन जो अभिक्रिया का दर समीकरण, दर है ये केवल दर, जो दर समीकरण है
उसके लिए हमें लैब में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे होता है, उन सब की बात हम करेंगे। फिलहाल इतना बात समझ में आया? तो अब मान लो अब क्रियाएं जैसे शून्य कोटि की होती है, प्रथम कोटि की होती है, द्वितीय कोटि की होती है, समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक। तो मान लो अगर इस क्रिया की कोट आपसे पूछ दिया, ए से कुछ बना रहा है और आपसे पूछ दिया गया बताइए इस क्रिया की कोट क्या है, तो सेम रिएक्शन आप इसको लैब में करवाओगे। किसके लैब में? तुम इसी रिएक्शन को लैब में करवाओ। कैसे करवाओगे उसको जरा सुन लो। उसको करवाने के लिए ध्यान सुना, पहले मान लो कि हमने इस ए का 5 मोल प्रति लीटर, ठीक ना, सांद्रता है उसकी 5 मोल प्रति लीटर लिया स्टार्ट में। हाँ अरे बोलो, 5 मोल प्रति लीटर लिया और ये 0 था स्टार्ट में, बोलो क्या था? 0 स्टार्ट में, 0 था, ठीक। 20 मिनट बाद हमने देखा, 20 मिनट बाद हमने देखा कि इधर 2 बच गया और इधर 3 चला गया, दिखाई दे रहा है? बोलो तो क्या ये अभिक्रिया चल रही है? क्या ये अभिक्रिया चल रही है? तो हमने कहा कि जब हमने इसका 5 मोल लिया तो 20 मिनट में कितना बन गया? 3, ठीक ठीक। अरे बोलो, ये पहला है केस। दूसरा केस सेम अभिक्रिया, ये केस नंबर फर्स्ट है, आप बहुत अच्छे समझो, ये केस नंबर फर्स्ट है। केस नंबर सेकंड में हमने क्या किया बाबू, कि हमने समय 0 पर, मतलब अब मात्रा को बढ़ा रहे हैं, पहले कितना लिया था? हमने कहा कि 10 मोल हो गया, कितना मोल? 10 मोल प्रति लीटर, समझ में आ रहा है ना? हमने इसको 10 कर दिया, छोड़ दे इसको, हमने इसको कितना कर दिया? शुरुआत में तो 0 ही होगा, लेकिन फिर जब हमने 20 मिनट बाद देखा तो इसमें ये 6 मतलब 3 ही था और ये यहाँ पे बचा कितना है? 7, दिख रहा है? फिर से बोले, फिर से बोल देते हैं, कोई एक अभिक्रिया थी ना लाल? बोलो आप, कोई दिक्कत बताओ? शुरू में पहले एक हमने केस लिया, 2 जगह करवा रहे हैं, इसी अभिक्रिया कितनी जगह करवा रहे हैं? पहले केस में हमने जो समय 0 था शुरू में, एक ही मात्रा कितनी ली? 5, तो अभी कुछ बना नहीं होगा, नहीं। तो ये कितना होगा? 0, ये समझ आ रहा है? नेक्स्ट हमने कहा कि 20 मिनट बीत गया, 20 मिनट बीत गया, 20 मिनट बाद इधर 2 बच गया, इधर कितना चला गया? 3, क्या ये बात आपको समझ पड़ी? Yes, समझ पड़ी? Yes, नेक्स्ट अब बता, ये पहला केस, कौन सा केस? सेकंड केस बताओ, हमने क्या किया कि अब उसी जो जो अभिक्रिया हो रही थी वही अभिक्रिया ये भी है, वही अभिक्रिया, वही अभिक्रिया सेम ये भी है, लेकिन वाला क्या हुआ, क्या देखो, समय 0 था, yes, तो पहले 5 लिया था, अब कितना लिया? 10, तो ये तो प्रोडक्ट 0 ही होगा ना, क्योंकि yes, तो टाइम कुछ लगा नहीं। अरे बोलो, ठीक है? नेक्स्ट yes, फिर हमने फिर 20 मिनट बिता दिया, कितना मिनट? 20 बता दिया भाई, 20 मिनट बिता दिया, तो हमने देखा 20 मिनट के पश्चात इसमें अभी भी 3 ही बन रहा है। बोलो इसका मतलब क्या हुआ, कि जितना तेज से ई चल रहा होगा क्या उतने तेजी से इहो चल रहा है? तब इहो 20 मिनट में 3 ये बनाया, इहो तो 20 मिनट में 3 ये बनाया, क्या ये बात समझ पड़ी? ये बात समझ आई? यानी हम क्या कहेंगे कि जब हमने इस पर्टिकुलर इस रासायनिक अभिक्रिया के, पर्टिकुलर का मतलब केवल इसी के लिए, जब इसमें हमने अभिकारक ए की सांद्रता को दूना किया, अरे बोल यार, अभिकारक ए की सांद्रता को, अभिकारक ए की मात्रता को दोगुना कर दिया है ना, तो भी अभिक्रिया के वेग पे कोई फर्क नहीं, जैसे वो पहले चल रहा था 20 मिनट में 3 यूनिट बना रहा था, वैसे ही अभी भी 20 यूनिट में कई यूनिट बना रहा है, क्या ये बात समझ पड़ रही है? इसका मतलब हम कह देंगे कि इस अभिक्रिया पर, इस अभिक्रिया में ए की सांद्रता बदलने से, ए की सांद्रता बढ़ाने से या ए की सांद्रता घटाने से अभिक्रिया के दर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, मतलब अभिक्रिया जैसे पहले चल रही थी अभिक्रिया अभी भी वैसे ही चल रही है, क्या ये बात तुम कंक्लूड कर पा रहे हो? Yes, sir. बोलो yes, sir. हमने क्या किया कि हमने शुरुआत में 5 और 0 लिया, yes, बोलो yes, 20 मिनट में 3 मिनट केवल इधर गया है, yes,
और बाकी जो था उसमें से जो बचा है वह यहाँ पे है। बोलो भाई। यस सर। सेकंड केस में हमने ए को अब पांच न लेकर ए को कितना लिया, ठीक। फिर 20 मिनट बीत गया, 20 मिनट में हमने देखा फिर तीन ही यूनिट गया और जो बच गया वो यहाँ लिखा हुआ है। अरे बोलो, ठीक है। इसका मतलब कि हम ए की मात्रा बढ़ाते हैं, यदि इस अभिक्रिया के लिए यदि ए की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं तो उसके दर पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अतः यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया। मत छोड़ो अभी, शून्य कोटि नहीं, अभी तुम केवल इतना समझो। तो बताओ इन डाटा से तुमने क्या देखा कि अभिक्रिया के दर परिवर्तित हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। जैसे पहले चल रहा था वैसे अभी भी समझ आ रहा है? Yes, ठीक। Yes, एक और ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, मिटा दें। Yes, ये वाला मिटा रहे हैं। हमने एक और अभिक्रिया लिया। हाँ बोलिए। चार्ज बोले, क्या समझ आया? पढ़ ले। नेक्स्ट अब हमने एक और एग्जांपल लिया। हमने कहा कि भाई बालक कुछ और है, जैसे मान लो यम है, यम से कोई प्रोडक्ट बना। अच्छे से सुनो, यम से कोई क्या बना? केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अरे बोले यार, हमने कहा कि समय जीरो था, समय तो हमने यम के मान लो भाई चार मोल लिए, चार मोल प्रति लीटर लिए, ठीक है। तो हमने ये स्टार्ट में ये कितना होगा? जीरो। फिर समय हमने कहा कि समय कुछ बीत गया, मान लो 10 मिनट बीत गया, कितना मिनट बीत गया? 10 मिनट बीत गया। तो हमने कहा कि इधर दो चला गया और इधर कितना है? दो बचा, दो बचा ना। ये केस नंबर फर्स्ट हो गया, केस नंबर, अब केस नंबर सेकंड में आप बढ़े। बोलो। yes, जब केस नंबर तुम सेकंड देख रहे हो तो हमने क्या किया कि इसकी इसके जो है यम के मान को दोगुना बढ़ा दिया। क्या किया? मतलब कि पी की वैल्यू अब जीरो पर चार की जगह कितना लिया? तो इधर कितना होगा? जीरो। क्या ये बात समझ पा रहे हो? yes, अच्छा नेक्स्ट, तो टी की वैल्यू फिर 10 मिनट बीतने दो। yes, कितना मिनट? 10 मिनट। समझ आया? yes, बोलो। अब जब 10 मिनट बीता तो हमने देखा कि आठो इधर चला गया और इधर कुछ नहीं बचा। एक सपोज कर रहा है, आठो उधर चला गया, इधर कुछ बचा नहीं। समझ में आ रहा है? या थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, या चार इधर चला गया, ठीक, और चार इधर बच गया, ठीक है। yes, क्या ये बात समझ पड़ रही है? yes, अच्छा इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें आप देखो, क्या इसमें मात्रा बदलने, मात्रा 5 जीरो था तो अभिक्रिया 20 मिनट में 3 यूनिट इधर जा रही थी। बोलो। हमने अभिक्रिया इस जो ए की मात्रा थी क्या उसको डबल कर दिया? जब डबल कर दिया तो अभिक्रिया अभी भी उसी स्पीड से चल रही है, क्योंकि 20 मिनट में यहाँ भी 3 यूनिट बना था, 20 मिनट में यहाँ भी ही बना है। अरे बोलो भाई, ये समझ आया? यानी इस पर अभिक्रिया हम इस जब सांद्रता बढ़ा रहे हैं, ए की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो अभिक्रिया के दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्या ये पहली बात समझ मड़ी? नेक्स्ट, दूसरी बात इसमें देखो, बोले पहले शुरू में हमने ये चार लिया तो ये जीरो था, कोई डाउट नहीं ना। अभिक्रिया एक निरंतर स्पीड से चल रही थी, किसी स्पीड से चल रही है, ठीक है, किसी दर से चल रही है, और हमने देखा कि 10 मिनट में है कितना यूनिट बना, ठीक, और है दो यहाँ बच गया। अब हमने क्या किया, इस चार को जो मात्रा चार थी उसको हमने डबल करके कितना कर दिया? ठीक ना। तो जब हमने आठ कर दिया तो इधर तो जीरो ही होगा ना। फिर हमने देखा स्ट्रेंज बात, मतलब कि थोड़ी सी यूनिक बात, कि हमने देखा कि जब हमने इस अभिक्रिया में इस यम की मात्रा को दुगुना कर दिया तो 10 मिनट में है देखो दुगुना बन गया, दिखाई दिया? यहाँ देखो है 10 मिनट में कितना दो यूनिट बना था ना, यहाँ 10 मिनट में कितना यूनिट बन गया, देख रहे हो ना।
क्या दोगुना बन गया? यस सर। कितना बन गया? दोगुना। मतलब इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में यदि अभिकारक की सांद्रता को तुम दोगुना कर रहे हो, अरे बोल भाई, अभिकारक की सांद्रता क्या कर रहे हो? दोगुना कर रहे हो, तो क्या उसकी दर भी दोगुना बढ़ जा रही है? दोगुना। ये 10 मिनट में पहले 2 बन रहा था, अब 10 मिनट में कितना बन रहा है? क्या ये बात समझ पड़ रही है? यानी इसमें इस अभिक्रिया में एक की सांद्रता को बढ़ाने या घटाने पर प्रभाव और इसमें प्रभाव उसमें प्रभाव, क्या ये बात समझ पड़ी? हमने समझा ठीक है। इसी ऐसा हम एक्सपेरिमेंट को लैब में कर लेते हैं, और करने के बाद जब हम लैब में कर लेते हैं तो करने के पश्चात हम उसका दर समीकरण लिख देते हैं। जिस भी मान लो इसका दर समीकरण लिखना हो तो आप कहोगे कि R बराबर K, ठीक है, R बराबर क्या K, और कंसंट्रेशन ऑफ A, और बताओ कि क्या A की सांद्रता बढ़ाने पर इसके मान में कोई मतलब दर में कोई परिवर्तन आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। पावर जीरो नहीं आएगा तो जीरो, नहीं आएगा तो जीरो, क्या ये बात समझ पड़ी? yes, और यहाँ पे हम दो गुना कर रहे हैं, के गुना कर रहे हैं दोगुना, तो क्या साथ ही बोलो भाई, yes, जब दो गुना कर रहे हैं तो क्या साथ ही उसका जो रेट है वो भी दो गुना बढ़ जा रहा है? yes, sir, sir. इसका जो रेट इक्वेशन लिखा जाएगा वो कुछ इसलिए लिखा जाएगा, आर बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर वन, कहें तो हम कहेंगे मान लो ए का बाबू ए था ना, अगर इस ए को तुम दोगुना करोगे तो क्या आर भी दोगुना नहीं हो गया? बोलो भाई, मान लो ऐसे सपोज कर ले, यहाँ दिख रहा है आर बराबर के, और मान लो ए जो है ए की सांद्रता यक्स थी, क्या थी? तो ये आर वन दर से चल रहा था, बोलो। अच्छा अब हमने क्या किया, ए की सांद्रता को दोगुना कर दिया, मतलब क्या उसको 2x कर दोगे? आर टू हो जाएगा, डिवाइड कर दो आर वन अपान क्या, के से के, एक्स से एक्स, क्या वन अपान टू होगा? तो क्या तुम देख रहे हो कि क्या आर वन वन है तो आर टू टू है? दिख रहा है? तो यहाँ आर वन अगर यहाँ ए लिखोगे तो अगर ए की मात्रा को दुगुना करोगे तो आर की मात्रा भी दुगुना, क्या ये बात समझ पड़ रही है? कैसे हम दर समीकरण लिखते हैं ये समझे? जैसे एक एग्जांपल और पूछते हैं, वेग स्थिरांक आएगा फिर कांस्टेंट है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाने के लिए हम एक स्थिरांक जोड़ते हैं, वही स्थिरांक है, ठीक। अबे आएगा बटा दें, बटाएं, एक और केस लेते हैं, बहुत बहुत शानदार तरीके से समझो, किताब का लिखा नहीं है, सीधा परिभाषा लिख दिया हुआ है, तो कुल मिला जुला के पैसा देने फायदा तो वही है। अब आवा दे रुका पैसा दे, मजाक नहीं कर रहा सच्चा। एम टू प्रोडक्ट, एम टू क्रिया है, आओ मजा है, समझे? बोला बोला देख रहा है जी, अब बैठ जाएगा। अब हाँ देखो देखो, एम टू प्रोडक्ट दिखा, अब हम समझा रहे हैं, हम समझाएंगे, समझाएं। मान लो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर क्या हो, व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, कुछ ले लेते हैं एम की मात्रा, हमने कहा एम की मात्रा हमने 10 मोल प्रति लीटर लिया, ठीक, तो बता स्टार्ट में कितना होगा? जीरो। दिक्कत है? दिक्कत है, कुछ समय बीतने दो, मान लो टी बराबर 30 मिनट बीत गया, जो भी बीत गया ठीक है, जो मन करे मान लो, सपोज कर रहे हैं केवल 30 मिनट बीत गया, तो हमने देखा इधर 2 चला गया, इधर 8 ही है, बोलो समझ आ रहा है? बोलो बोलो, उधर कितना गया? 2। इधर बचा कितना? 8। समझ आ रहा है? ये एकदम अच्छे तरीके से समझा रहे हैं तुमको,
कि वास्तव में जो रेट इक्वेशन होता है वो लिखा कैसे जाता है। वही से भारत में लैब नसीब तो होगा नहीं है ना, लैब तो नसीबा नहीं होता है, तो हम सोचने की जरूरत है ही नहीं। असल में यहाँ पे चुनाव ना शिक्षा के मुद्दा पे तो होता नहीं है। टी बराबर जीरो और टी बराबर 30 मिनट दिखा, सपोज कर लो। अब हमने इसके मात्रा को दोगुना कर दिया, आधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोगुना कर दो ठीक है। तो मान लो इसके मात्रा को दोगुना किया कितना हो गया, इधर कितना हो गया, ठीक ठीक समझ में आया। तो जब हमने देखा कि भी मतलब हमने उसकी मात्रा को दोगुना किया, हमने उसकी मात्रा को दोगुना किया ठीक है, तो ये जो है 8 हो गया, यहाँ कितना बच गया, देख रहे हो ना, बोल भाई बोल, पढ़ लें समझे क्या हुआ इसमें, ध्यान दो कि क्या भाई लाल, तो क्या भाई लाल, ये हमने फर्स्ट केस लिया, सेकंड केस लिया, जब हमने अभिकारक की मात्रा को दोगुना किया, अभिकारक की मात्रा को दोगुना किया ठीक, जब अभिकारक की मात्रा को दोगुना किया तो क्या हमारा जो उत्पाद है, क्या है उत्पाद, उत्पाद है देख रहे हो ना, दो चौको 4 गुना बढ़ गया, दिख रहा है नहीं, समझ रहे हो, कैसा समझो भाई, दुगुना भाई है तो जितना पहले कितना बनता रहा, अब कितना बनता, 8 तो k गुना 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 दिखाई पड़ा। यानी यह एक ऐसी अभिक्रिया है, यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें सांद्रता को हम दोगुना कर रहे हैं, तो अभिक्रिया किधर 4 गुना बढ़ जा रही है। कुछ समझ में आ रहा है, आ रहा है, तो आओ देखते हैं कैसे है ना। अब विभिन्न भांति भांति प्रकार के दर समीकरण लिखते हैं। मान लो पहला वाला लिखा ऐसा, तुक्का मारा, आर बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट किसी भी संख्या के पावर 0 वैल्यू 1 होती है, बोल भाई, तो ये हटा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे, अब बताओ क्या इसमें यम की मात्रा है क्या कहीं पे, नहीं है क्या, नहीं। ये उस अभिक्रिया का दर समीकरण है जिसका जिसकी सांद्रता बदलने पर कोई प्रभाव नहीं, जैसे पहले का ही लिए थे, हाई वाला है ही, बोलो अच्छा, अगर r बराबर के a लिख दें, r बराबर क्या लिख दें, के a ठीक, अब तब अगर a को दोगुना करोगे, बोलो भाई, तो r भी कितना गुना हो गया, दोगुना हो गया, दिखाई दिया, यदि a को दोगुना करोगे तो r भी कितना हो गया, दोगुना, लेकिन हमको k गुना चाहिए, 4 गुना चाहिए ना, ऊपर हम वर्ग लगा दो, लगा दे, अब यहाँ अगर तुम दोगुना करोगे तो दूनी बस कर रहा मिल, समझे, यानी इस अभिक्रिया का रेट इक्वेशन ये है r बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ a का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ पड़ी, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, समझे, इसको हम बोलते हैं अभिक्रिया का दर समीकरण। वो तो हम दिखा रहे थे ना कि कैसे 4 गुना होगा, समीकरण देता ना है ना, समीकरण इतना ही है, a को दोगुना करोगे तो रेट जो है 4 गुना बढ़ जाए ठीक। कैसे लिखते हैं ये समझे, दर समीकरण कैसे लिखते समझे, परिभाषा सुन लो, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर समीकरण, उसकी अभिक्रिया के दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर समीकरण अभिक्रिया की दर r तथा अभिकारकों के सांद्रता पदों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। याद हुआ, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर समीकरण उस अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर समीकरण उस अभिक्रिया की दर तथा अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध को स्थापित करता है। समझ में आ रहा है ना, और इससे जो समीकरण बनता है उसे ही हम दर समीकरण कहते हैं ठीक। समझे, समझा कैसे लिखते हैं, समझे, परिभाषा तो मैं लिखवा दूंगा ठीक।
नेक्स्ट पढ़ ले, अरे बोले अभिक्रिया की कोटि क्या नेक्स्ट हेडिंग है, अभिक्रिया की कोटि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया की कोट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक। तो उसकी परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण, याद रखना कि किसी भी अभिक्रिया को तुम देख कर उस अभिक्रिया का दर समीकरण लिख, उसके लिए हमको क्या चाहिए लैब में, हमें ये हाइजा चक्कर के प्रयोग करना पड़ेगा। बोलो बोलो बढ़ाएं। नेक्स्ट हेडिंग आती है कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की क्या ठीक परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया के जैसे मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसका दर समीकरण दिया हुआ, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे एग्जांपल के तरीके R बराबर के कंसेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर और कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर थ्री, ऐसे कुछ दिया हुआ है, या R is equal to K concentration of 1 by 2 R बटे में भी हो सकता है concentration of B के power 1 कुछ इस प्रकार, या R बराबर K concentration of M के power 1 और concentration N के power 1 कुछ ऐसा दिया हो ठीक। तो ये सभी किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण हैं, ये सभी किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण जो प्रयोगों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, किसके द्वारा ठीक है ना, जो प्रयोगों द्वारा निर्धारित किए हुए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें अभिक्रिया की कोट कितनी है। तो परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकारी अणुओं के, अभिकारी मतलब है ए और बी, अभिकारी मतलब ए और बी, केवल अभिकार के लिखा जाता है, उत्पाद लिखा नहीं जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकारी अणुओं, अभिकारी के सांद्रता पदों, अभिकारी अणुओं के सांद्रता पदों के, समझे, अभिकारी अणु कौन है ए और बी, सांद्रता पद का मतलब ब्रैकेट में बंद कर दो सांद्रता हो गया, सांद्रता पदों के घातों के योग के बराबर होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में, या वही अभिक्रिया की कोट, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकारी अणुओं के सांद्रता पदों के घातों के योग को हम अभिक्रिया की क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आया आया, ये है हमारी अभिक्रिया की कोट। किसी को कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है बोलो भाई। तो ये है हमारी अभिक्रिया कोट, डिफिनेशन लिखवा देंगे आपको एकदम एग्जैक्टली याद हो जाएगा। तो मान लीजिए ऐसा दे देगा, एक नंबर का पूछता है, ऐसा दे देगा, कहेगा बाबू इसकी कोटि बताइए, तो खोजेंगे अभिक्रिया का दर समीकरण है ये, अभिकारक के सांद्रता पद खोजो, ए अभिकारक है उसका सांद्रता पद ब्रैकेट हो गया, बी अभिकारक है उसका द्वारा है ना, अगर पूछा पहले वाले की कोटि बताइए तो कहते कि लो भाई इसको कोटि पहना देते हैं, दो और तीन जोड़ दो, दो प्लस तीन कितना, यानी पहले वाले की कोटि कितनी है, दूसरे वाले की कोटि देख लो, तो कोटि बराबर एक बटे दो प्लस कितना, एक बटे दो प्लस एक कितना, क्या ये बात छोड़ी, अरे पढ़ी पढ़ी पढ़ी। नेक्स्ट इसमें बताओ, मान लो इसमें यदि कोटि तुमसे पूछेगा तो पावर में कितना है, वन प्लस वन मिलके कितना, क्या तुम कोट बता पाओगे, भाषा पूछेगा तो लिख दो ना, अब कोट ही पूछेगा तो इसे बता देना, और बात जोड़ देना है। कितने लोगों ने समझा, सच्चे मुच्चे ठीक है, करो बोलो, समझ में आया। अब हम अभिक्रिया की कोट जो तुम्हारे सिलेबस में है उसमें हम शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया और तृतीय कोट की अभिक्रिया पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जो ये एक टर्म आ रहा है, हम जरा वेग स्थिरांक के या विशिष्ट वेग स्थिरांक,
वेग स्थिरांक के है ना, या इसको विशिष्ट वेग स्थिरांक भी बोलते हैं, वेग स्थिरांक के या उसे विशिष्ट वेग स्थिरांक भी बोलते हैं। समझ आया क्या? बोलो भाई। तो अगर उसकी आपको परिभाषा पूछ दिया गया कि विशिष्ट वेग स्थिरांक के या वेग स्थिरांक के की परिभाषा बताइए, वो हमारा प्रश्न है ना, तो हमसे बढ़िया जाने का वो रख दे रख। समझे? हाँ। तो तुमसे पूछा जाएगा कि मान लो वेग स्थिरांक के या विशिष्ट वेग स्थिरांक के का परिभाषा बताइए या परिभाषित करिए, तो अब कुछ नहीं, तुम क्या करना है ना, इन सांद्रताओं को एक कर लो। किसको? अभिकारक की सांद्रताएं यदि तुम एक कर दोगे तो मान लो पूरा ब्रैकेट का मान एक हो गया, बालक हेयो का पूरा मान एक हो गया, एक का वर्ग एक का, एक का क्यूब एक का होता है, कुल गुणा का एक क्या होगा, तो R बराबर क्या आ जाएगा, K, है ना, है ना। तो तुम क्या कह सकते हो, हम तुमको बता देते हैं, यदि अभिकारकों की सांद्रता एकांक कर दी जाए, यदि अभिकारकों की सांद्रता ठीक ना, या एकांक सांद्रता के अभिकारकों के लिए, एकांक सांद्रता के अभिकारकों के लिए किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के, एकांक अभिकारकों की सांद्रता के लिए किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के, वेग स्थिरांक के अभिक्रिया के दर के बराबर होता है। समझ में आ रहा ना? जब एक हो जाएगा तो पूरा हट गया। बोलो। तो के का मान सीधा कितना हो गया? ठीक। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के है ना, एकांक सांद्रता वाले अभिकारकों के लिए, एकांक सांद्रता वाले अभिकारकों के लिए है ना, उसके दर R के बराबर होता है। बस हो गया, ये उसकी परिभाषा है K की। ठीक ठीक। K के यूनिट की बात हम आगे करते हैं, फिलहाल पहले हम आएंगे बढ़े। अब कुछ अभिक्रियाओं के प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे जैसे अभिक्रिया की कोटि के प्रकार के आधार पर हम चीजों को बांटते हैं। जैसे माना, ध्यान देना है, बोले पहली आती है शून्य कोट की अभिक्रिया। कौन सी कोट की? शून्य कोट की अभिक्रिया। ठीक है ठीक है। शून्य कोट की अभिक्रिया कैसे होती है, ये क्या होती है, तो इसके बारे में हम ध्यान देंगे। अगर बाबू अभी हमने पीछे कहा था, जो पहला वाला एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने आपको दिखाया था कि यदि एक की मात्रा को डबल कर दे रहे थे तब भी उस अभिक्रिया के दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। समझ आया ना? हम कहे थे कि अगर एक की मात्रा को डबल, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना कुछ भी कर दोगे तो उसके दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ आया ना? ऐसी ही अभिक्रिया को हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान, तो पूछा जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो तुम सिंपल से जवाब दोगे कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करने पर, जिसके अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करने पर उस अभिक्रिया के दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो समझ में आया? एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके सांद्रता, जिसके अभिकारक की सांद्रता को परिवर्तित करने पर अभिक्रिया के दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक ना? ठीक है ना? या एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका, जिसकी जो दर है, जिसकी जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। सांद्रता बढ़ाओ चाहे घटाओ, वो जिस स्पीड से चल रहा था क्या वो उसी स्पीड से चलेगा? तो मान लो, माना कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया, बस मान लिया, माना कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है A2 प्रोडक्ट। समझ आ रहा है ना? शून्य कोटि, शून्य शून्य सुनाई पड़ रहा है। तो इसका जो दर समीकरण होगा आर बराबर के और ए के पावर शून्य दिखाई पड़ा, एक बार क्या शून्य। अगर कहता कि ये प्रथम कोटि का है तो R बराबर के
कंसंट्रेशन ऑफ ए मतलब ए की सांद्रता के पावर कितना होगा? अगर प्रथम कोटि का कहता, शून्य कोटि का कह रहा है तो शून्य, किसी भी संख्या के पावर शून्य का मान, किसी भी संख्या के पावर शून्य का मान एक हो जाता है, इसलिए क्या हम इसको हटा दें? कोई दिक्कत है आपको? यानी हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी, है ना, तो उसका जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें है ही नहीं अभिकारक की सांद्रता। बोलो क्या समझ पड़ी? पड़ी ये है, आपको एग्जांपल दिया होगा और आपसे पूछा जाता है, जैसे एग्जांपल शून्य कोटि की अभिक्रिया के कुछ एग्जांपल जो याद कर रहे हैं, इसमें कुछ देख के नहीं बताया जा सकता है। N2O डैश करो N2 प्लस O2 और होता है H2 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश में HCl, ये भी होता है, तो ऐसे भी कह सकते हो। समझ ना रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, किस कोटि का कुछ एग्जांपल, समझ ना रहा ना? तो आपसे भी पूछेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित करिए, तो आप कहोगे एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी जो दर है, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी जो दर है, कॉपी नहीं समझती तुमसे बैठी कभी मत रहे हो, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो सुनो, एक ऐसी रासायनिक जिसकी जो दर है, जिसकी जो दर है, वो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ऐसे कह सकते हो, या थोड़ा और बढ़िया से कहना चाहो तो किसी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता को परिवर्तित करने पर अभिक्रिया के दर में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे भी कह सकते हो। बोलो समझ में आया? एग्जांपल्स देना हो तो N2O हीट करो N2 प्लस O2 ठीक, या H2 प्लस Cl2 सूर्य का प्रकाश डैश करो 2HCl, है ना, है ना, है ना। इसी तरह अमोनिया बनाने में मोलिब्डेनम के पृष्ठ पर भी किया जाता है, वो भी शून्य कोटि का, लेकिन आपको एक एग्जांपल याद होना चाहिए बस। तो बताओ क्या तुम्हें शून्य कोटि की प्रक्रिया समझ में आया? यस सर। ठीक है, कर पाओगे? यस सर। हां अब हम शून्य कोटि आगे बढ़े बढ़े, तो अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण लिखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन ज्यादा नहीं, प्रथम कोटि का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हम साथ में प्रथम कोटि भी समझा दें तो आपको कोई दिक्कत है क्या? मान लो यदि कहता कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप कहते, है ना, कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी दर, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी R बराबर K, अगर प्रथम कोटि का है बाबू तो A के पावर कितना होगा? A होगा ना। बोलो, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी जो दर है, जिसकी जो दर है, वो अभिकारक के सांद्रता पद के, अभिकारक A हो गया पहला वाला, और सांद्रता पद मतलब ब्रैकेटवा, अभिकारक ए हो गया और सांद्रता पद मतलब क्या? ब्रैकेट, है ना। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी दर, जिसकी दर अभिकारक के, है ना, अभिकारक के सांद्रता पद के प्रथम घात के समानुपाती होता है। अगर हम के को हटा दें तो क्या ये समानुपाती चिन्ह होगा? उसे कोई मतलब नहीं है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी दर, जिसकी दर, जिसकी दर अभिकारक ए के सांद्रता पद के प्रथम घात के समानुपाती होता है, इजीएस्ट ऑफ इजीएस्ट, ठीक। और अगर द्वितीय कहेगा तो अभिकारक पद के सांद्रता पद के द्वितीय घात के समानुपाती होता है, तृतीय कहेगा तो तृतीय घात के समानुपाती होता है। अरे बोलोगे, कह पाओगे इसे? या मान लो इसे दूसरे भाषा में कहना है तो तुम कहोगे एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें अभिकारक की सांद्रता बदलने पर, अभिकारक की सांद्रता बदलने पर अभिक्रिया की दर उसी रेशियो से बदल जाती है। मतलब कि अभिकारक की सांद्रता अगर हम दोगुना करेंगे, अगर अभिकारक की सांद्रता को तुम दोगुना करोगे तो रेट भी के गुना हो गया। जिस प्रकार सांद्रता बदलेगी उसी प्रकार रेट भी बदलेगा। तो बताओ क्या ये तुम समझ पाए? कोई दिक्कत है किसी को? बढ़ ले, बढ़ा जाए, आओ। तो अब हम शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन ज्यादा नहीं, प्रथम कोटि का ही इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे एक्सरसाइज के 90% क्वेश्चन प्रथम कोटि से ही बिलोंग करते हैं,
समझ में आ रहा ना? तो आइए हम लिखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। आइए समझाते हैं। हाँ, तो हमने कहा हेडिंग है शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। कोरोना आया सबसे दूर रहा, तो पता नहीं क्या है। समाकलित वेग समीकरण बोलो। ठीक है, समझे? तो ये है हमारा समाकलित वेग समीकरण। इसको हमें डिफाइन करना है, इसको हमें बताना है कि ये कैसा होगा, मतलब कि कैसे ये लगता है। समाकलन हमने 12th में पढ़ाया हुआ है, अभी जब पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस पे हम ध्यान से समझेंगे। आइए देखिए। तो हमने कहा कि सबसे पहले शून्य कोटि बोला तो कहोगे कि माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया ए टू प्रोडक्ट है। क्या कहोगे? पहला मतलब इसको हम डेरिवेट कर रहे हैं, डेरिवेशन है उसका, निगमन, ठीक है, सूत्र का निगमन हो रहा है। तो हमने कहा कि माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक, ए डैश टू प्रोडक्ट है। समझ में आया? ए टू क्या है? ए टू प्रोडक्ट है। अब समझो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपके जो बुक में के एन शर्मा में कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, उस फॉर्मूले से हम थोड़ा सा डिफरेंट करवाएंगे। असल में ये सीबीएसई बोर्ड में होता है जो ये हम लगवाने जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला डिफरेंट है लेकिन आंसर सेम आता है, बिल्कुल सेम आंसर आता है। आओ, माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया ए डैश टू क्या है? ठीक, तो सबसे पहले कहोगे कि टी बराबर जीरो पर, टी बराबर किस पर? जीरो, है ना। इसकी ए की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता है ना ये, तो इसको ए नॉट ले लो, प्रारंभिक सांद्रता को क्या ले लो? ठीक, तो जब समय कुछ लगा ही नहीं तो क्या ये बना होगा कुछ? नहीं, तो ये कुछ नहीं बना होगा। क्या ये बात समझ पड़ी? समझ पड़ी? कुछ समय बीत गया, समय टी पर कुछ समय बीत गया। जब समय टी पर बीता तो जो ए की सांद्रता ए नॉट थी, ए की सांद्रता इसका कुछ भाग इधर चला गया, तो हमने मान लो कह दिया एक्स उधर चला गया। बोलो, ठीक है। तो इसमें अंतिम सांद्रता बचेगी जिसको केवल तुम ए लिखो, ठीक, ठीक। तो बताओ ए नॉट क्या है? तो ए की प्रारंभिक सांद्रता मतलब टी बराबर शून्य पर। बोलो, बताओ ए नॉट क्या है? टी बराबर शून्य पर। और ए क्या है? समय टी पर ए की सांद्रता। समझ में आया? अब हम दर लिखेंगे, फिर दर समीकरण लिखेंगे। हमने बताया था आपको कि जो दर होता है, क्या होता है? दर। जो दर होता है, केवल दर, वो हम अभिक्रिया को देखकर लिख सकते हैं, लेकिन जो दर समीकरण होता है उसके लिए हम लैब में जाते हैं। अरे बोलो भाई। तो पहले हम दर लिखेंगे। क्या लिखोगे? दर। दर बराबर ए के पदों में भी तुम दर लिखोगे तो माइनस डी ए अपॉन डी टी आएगा। बताया था पीछे, माइनस डी ए अपान डी, ये हमारा दर समीकरण नंबर एक हो गया। अरे बोलो, कोई दिक्कत? इतने में किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट, फिर हमने कहा दर समीकरण से या दर नियम से कह सकते हो, दर नियम भी उसको कहते हैं, जो दर समीकरण है ना उसको दर नियम भी कहते हैं। दर नियम से, दर नियम से, तो जब तुम अब दर लिखोगे, ध्यान देना, जब तुम अब दर लिखोगे तो बताओ कि क्या इस अभिक्रिया का कोट दिया गया है? क्या दिया गया है? शून्य कोट। तो दर बराबर हो जाएगा के और कंसंट्रेशन ए के पावर कितना होगा? जीरो। काहे जीरो?
शून्य कोटि का। अगर प्रथम कोटि का होता तो क्या लिखते? भाई सब सेम होता लेकिन एक होता। अरे बोल भाई, क्या दिखाई, समझ में आया? अब तुम बताओ कि क्या ये समीकरण एक और समीकरण दो हमको मिल गया? समीकरण एक और समीकरण दो। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व किस से? दो से। तो तुम बताओ कि क्या दोनों का लेफ्ट साइड दर दर है? यस सर। तो क्या राइट साइड भी बराबर होगा? यस सर। इसका मतलब जब लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू अ k ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या? A। और पावर कितना? जीरो। पावर कितना? जीरो। क्या तुम ये लिख सकते हो? यस सर। बोलो। यस सर। क्या तुम ये लिख सकते हो? यस सर। दोनों का लेफ्ट इक्वल था तो राइट भी हमने क्या कर दिया? कोई दिक्कत? ये a के पावर जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, तो क्या उसकी जगह हम एक लिख दें? यस सर। किसी भी संख्या के पावर जीरो का मान कितना होता है? एक। संख्या हो, कोई भी वैल्यू हो, x के पावर जीरो का भी मान एक ही होता है। बोलो, कोई दिक्कत? तो क्या बच गया? माइनस डी ए अपान क्या बचा? बराबर केवल क्या बच गया? क्या इतनी बात समझ पड़ी तुम्हें? बोलो भाई, है ना। अब ध्यान देना कि जो डी वाले दोनों है ना, जो डी वाले दोनों हैं, ये एक पक्ष में नहीं रह सकते हैं, इन्हें अलग अलग पक्ष में करना होगा। जो डी वाले दोनों हैं वो एक पक्ष में अलग अलग पक्ष में कर दो। तो क्या इसको यहाँ भेज दें? तो हमने कुछ यू कह लिया कि माइनस डी ए बराबर क्या के डी टी हुआ? माइनस डी ए बराबर क्या हो गया? ठीक है ना। तो ये माइनस ये हट गया तो क्या यहाँ पे माइनस लग जाएगा? क्या ये बात समझ पड़ी? क्या ये समझ आया? बोले बालक कुछ नहीं, क्या तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या लाल? हाँ ठीक है, शाम को करेंगे तो तुमको मजा आएगा। मतलब इतने टाइम ऑफ फील नहीं आता है, तुम गाना वाना गाते, ढोलक वोलक बजाते तो अच्छा लगता है, बढ़ाते हंसा है, कौन हंसा है, चलो चलते भी मत हो, तो इतना मजा लोगे हमारे एरिया में हंसेगा। हाँ, हम क्या कह रहे हैं कि सबों वाले बैचों में मजा आता है, समझना है समझ नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। हम अब इसमें इसमें दो दो मतलब दो चीजें हैं। क्यों दो चीजें हैं? इन दो चीजों को हम बताना चाहेंगे तुमको कि जो भी हम करते हैं जरूर कुछ कुछ सोचते जरूर। जैसे तुम्हें 5:30 बजे बुलाया जा रहा है, पहला रीजन कि तुम 12 बजे और तुम हर साल देख रहे हो 12 वाले बहुत जोरों से फेल हो रहे हैं, है ना। तो तुम्हारे पास एक सॉलिड वजह है 5:30 बजे आने की, 5:30 बजे आने की तुम्हारे पास एक सॉलिड वजह है। तुम्हारी जागरूकता हो सकती है बढ़ गई होगी कि तुम्हारे बुद्धि का विकास हो चुका है। तो हमको लगता है कि अगर 5:30 बजे होगा क्लास, तो अगर 12th का बैच वो होगा तो उसमें 90-95% बच्चे तो आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं पढ़ेंगे नहीं तो नहीं अपार नहीं होगी। लेकिन कक्षा 10th में ऐसा केस है नहीं, उनकी बुद्धि भी विकास नहीं हुआ है, इस कारण यदि उनको 5:30 बजे बुला दिया गया तो वो जो है आधा अपसेंट हो जाएंगे सर, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगा कि शिक्षा की वैल्यू क्या है, बच्चे हैं वो। और अब 12th वाले भी तुम बच्चे हो, तो अगर 5:30 बजे हम उठ के आते हैं और मूड फ्रेश नहीं है, तो अगर हम हंसाएंगे नहीं या बोलेंगे नहीं, तो कम से कम तुम ये तो जानते हो ना कि हमको पढ़ना है मेन, तो सिलेबस बहुत बड़ा है, हमको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है, नहीं तो सिलेबस भी खत्म नहीं होगा और हमारा रिजल्ट भी खराब हो जाएगा। लेकिन 10th में तो ऐसा है नहीं, उनको किसी बात से मतलब ही नहीं, उधर बोले आधा मिला उधर बोले मजा आ जाएगा। सच कह रहा है, रोज हम गाना गाते हैं, रोज एक आठ गाना जरूर गाते हैं, मजा आवा जरूर। छोटा सा सिलेबस हो गया है, सिलेबस में तो हम छूट कर दिए हैं सर, थोड़ा दिक्कत ना आई है, अब इन हरियन थोड़ा मजा लेंगे, और बाद चैंपियन जब होश में आएंगे तो 1 महीना पीक पड़ा खूब खत्म कर देंगे। तो यही है, इसलिए इस समय खूब बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें मजा लेते हैं। तो वही बात, तो तुम्हारे पास वजह है, तुमके पास वजह नहीं है। 10th के बच्चे इतने ज़्यादा सिंसियर नहीं होते हैं,
वो शिक्षा को लेकर के इतने ज्यादा वो नहीं होते हैं कि कहाँ सही पढ़ाया जा रहा है, कहाँ गलत पढ़ाया जा रहा है, कहाँ का मास्टर फाटल जींस पहन गया हुआ था और कहाँ फाटल जींस नहीं पहन गया हुआ था। ये उसमें उनमें सिंसियरिटी नहीं है, लेकिन तुम में तो कम से कम सिंसियरिटी है ना कि हम फाटल जींस पहन के आ जाए तो तुम कहोगे ना कि क्या नाम कैसा आदमी है यार। वो अलग बात है, अधिकांश लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन बसरते तुम ये समझो कि जो भी टीचर से पढ़ना उसको उस फ्रेम में जरूर होना चाहिए जो उस जिस फ्रेम में एक टीचर बैलेंस होता है। अगर वो अपने आउट ऑफ कॉन्टैक्ट जा रहा है, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट से यदि जो जा रहा है तो उसे पढ़ने लगना ही मत पढ़ो उसे, चाहे वो कितना भी जानता है। आउट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं जाने देना है, तुम उसका विरोध करो। मैंने जमने दिन खराब कपड़ा पहन गया चुपचाप बैठा लो बोल में विरोध करो, नहीं विरोध कर सकते हो खुल के तो चुप रहो। उसको दिखना चाहिए कि बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है, टीचर जान जाता है पसंद नहीं आ रहा है। तो ये सब बातें हैं, हम यहाँ पढ़ाने आते हैं सिर्फ इतना ही, हम यहाँ फेयर लवली लगा के नहीं आए, समझे। तो अगर टीचर ही तुम्हारा इस सब चीजों में परेशान है तो तुम काहे नहीं परेशान हो, ऊपर पढ़ाई काम देखो ऊपर कपड़ा और जो ना ऊपर फूटा हुआ ऊपर फाटल जींस हुए देखने देखने परेशान रहोगे। तो ऐसा होना चाहिए, मैंने एक टीचर को जो भी तुमको पढ़ा रहा है उसमें कुछ यूनिक ना हो। जब हमको नया कपड़ा हम खरीद लेते हैं, वास्तव में बता रहे कसम से, जब हमको मान लो कपड़ा नया खरीद लिया बड़ा रंगीन है वो, तो हमको पहन के आने बड़ा अजीब लगता है। हम जानते हैं गुरमाल अब हम ऐसे मान लो यहाँ से विंटर करेंगे तो एक और हम ऐसा पढ़ते जाएंगे तो क्यों ऐसा पढ़ते ऐसा पढ़ती है, तो बहुत समस्या है ये सब। तो हम सोचते हैं कि थोड़ा पुरान हो जाएगा पहन के जाएंगे, कई पहन के जाएंगे इधर उधर चौराहे घूमेंगे चाहे घर में पहनेंगे ताकि थोड़ा सा थोड़ा डल हो जाए वो, बहुत जोर नया नहीं पता चले। एकदम जूता पहन के आए, हमने नाइक का जूता खरीदा था तब ले जैसा इंटरी हफ्ते दिए का है वाला जैसा एंट्री किए तब कहा था इंग्लिश शरीर बड़ा मस्त जूता कचरा कर देते हैं सब मैंने कचरा कर दिया सब। ओकरे बाद से ईमान चलो उस जूते को हम रेयर पहन के आए, हम पहन के ही नहीं आएंगे। हमको कुछ ऐसा नहीं करना है कि जिससे तुम्हारा ध्यान उस तरफ आकर्षित हो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, इस तरफ आकर्षित हो, हमको कुछ वैसा करना ही नहीं है। हमारा फाटल शर्ट पहन के आ गया ऐसा ही फटा हुआ है तो तू आधा समय तो वही परेशान रहो बताओ एक ही जोन भाई इतना दिमाग में फाटल पहन के कुछ देर फिर बोले देखो फिर कहो फाटल पहन के फिर कुछ दिन बोले देखो फिर ऐसा होता है। तो इसी कारण जो है ये सब चीजें हैं जो कि हम बहुत विशेष रूप से ध्यान देते हैं, बहुत विशेष रूप से। अब 6-7 महीना था, 6-7 महीना हमने घर में बिताया, तो घर पे हम शर्ट नहीं पहनते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता है, गर्मी होती है फील गुड नहीं होता है, तो हम सामान्यतः टी शर्ट ही पहनते हैं घर पे रहते हैं तो सामान्यतः। तो अब कुल कपड़ा वपड़ा सब फेंक फाक दिए, पता नहीं क्या कर दिए, कहीं दबा दिए होंगे। तो अब जो है कपड़ा नहीं, हम नया कपड़ा खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो कैसे हो क्या हम पुरान करेंगे कि 4-5 दिन मतलब चार दो तीन तो है खाली वही पहन पहन आ रहे हैं 3-4 तो, और टी शर्ट पहन के आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तुम कान टी शर्ट देखते हो याद हो सच पता नहीं तुम देखते हो कि नहीं देखते हो, हमको फील होता है पता नहीं कैसा कि कुछ कान के साथ देख रहे हैं तो थोड़ा हमको अजीब लगता है, इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि शर्ट पहन के मतलब टी शर्ट पहन के ना आए। तो ये सब अजीब लगता है, चीजें हैं जो खराब लगता है, तो वो बातें। तो आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हम नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो है आउट यहाँ जब हम चलते हैं तो हम गाड़ी तेज चलाते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं चलाते हम बाहर चलाते हैं, अपने क्षेत्र में नहीं चलाएंगे, अपने क्षेत्र में खूब आराम आराम चलेंगे। इसी नाते जब हमने बहुत बार ऐसा देखा हुआ है कि मान लो कोई हम आ रहे हैं, एक बार मैं खरीदी से आ रहा हूँ, लड़का पल्सर गाड़ी ले हमको जो है ओवरटेक करके आगे गया, ओवरटेक करके आगे गया और जो है
फिर उसने जो साइड मिरर होती है उसमें हमने उसमें हमको देख लिया कि अरे बाबू अब आवा तो मैं हम बड़े आराम से यार आ रहे हैं। उसके बाद वो आगे रुक के वेट कर रहा है, वेट किया कर रहा है, तुम आए तो फिर बताया तो हम कह बाबू उड़ जाइ बका उड़ी जाइता झूठ है जा गाड़ी घर रख तो पैसा कमा हेलीकॉप्टर कर दो उड़िया उड़िया भाई बहुत इमरजेंसी है कोई किसी का घर पे तबीयत खराब हो रहा हो गया है, हम गोरखपुर थे हम जल्दी से आ रहे हैं उनको जाना है हॉस्पिटल में एडमिट है अब हो सकता है उनको गोरखपुर ले आ रहे झूठ है मुआवा जो है हम समझ रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है मतलब उसकी जो वॉइस है वो उसके इमोशन से मैच नहीं हो रही है। अगर किसी की तबीयत वास्तव में खराब है और अगला बंदा गोरखपुर से धड़धड़ा के आ रहा है तो घबराया होगा बहुत सारा तो इमोशन उसके आवाज से मैच करनी चाहिए तो मैच नहीं कर रही है लेकिन फिर भी हमने उस पर्टिकुलर टाइम में सोचा कि कम से कम वो इतनी इज्जत तो करता है कि वो एक्सप्लेनेशन देना चाहता है हमको जो भी है जैसा भी है वो भले झूठ बोल रहा है लेकिन कम से कम उसने हमको एक्सप्लेन तो किया। हमने कहा कोई बात नहीं लेकिन बस यही है कि जब भीड़ रहे तो स्लो जाना बाकी स्पीड जा उड़ा उड़ा दे कोई बात नहीं चला गया। उससे एक्सप्लेनेशन उसने दिया तो कम से कम हमको कुछ समझ तो रहा है। अगर हमने वहीं पे उसको और भी कुछ कह देता झूठा मक्कार ये वो हड़का दिया होता तो उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन में नहीं देता तो ये सब बातें हैं। तो कुल मिला जुला भाई बाल को गाड़ी वही बहुत तेज चलाने से कोई मतलब नहीं बनता है वास्तविकता है तुमको बता दें। हम जानते हैं कि जब हम ले खूब रस के कस के जाते हैं तब हम सोचते हैं केवल हम सोचते हैं कि बगलिया वाले कहते होंगे बड़ा शानदार चला हुआ था सोचते हैं ना हम यही सोचते हैं हमारे इंटरनल जो मतलब हमारे इमेज है वो ऐसे ही बनती है लेकिन वास्तविकता से कहीं कोसों दूर है। अगर 400 आदमी ने देखा तो हम गारंटी देंगे 399 मिला गरी आई तो कौन एक तो रही आनर कहीं बड़ा बढ़िया लगा था एक आध टमाना जरूर रही। तो ये सब बातें हैं तो यही सब बात भाई पढ़िए और अच्छे से कौन बात नहीं तो पार्ट ऑफ जॉब तो इसीलिए हम सुबह तुम लोगों का रखे हुए कि हम सोच रहे हैं तुमको वैल्यू है पता है तुम्हें शिक्षा की वैल्यू पता है तुम 12 में आ चुके हो तुम जान चुके हो कि क्या नाम है ये नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा लेकिन 10th वालों को नहीं पता है इसलिए हम आधा समय बतियाते हैं और आधा समय पढ़ाते हैं मजा लेते हैं हम समझ रहे और कुछ नहीं चलो ठीक है समझ गए। तो दोनों डी वाला एक पक्ष में नहीं हो सकता। अच्छा फिर से बता देता फायदे के सामने क्या क्या है माना एक शून्य कोट की ए टू प्रोडक्ट समय जीरो था ए की सांद्रता ए नॉट मानी गई और ये जीरो माना गया। अरे बोलो अब हमने कहा समय टी पर समय मतलब कुछ समय बीत गया टी का मतलब कुछ भी हो सकता है 20 मिनट 40 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 4 साल 20 साल 1 करोड़ साल बोलो समझ में आया। तो इधर कुछ चला गया तो इधर कुछ बच गया बोलो भाई तो ये ए बच गया पढ़ ले। इस समीकरण का हमने दर लिखा माइनस डी अपॉन डी टी दर नियम चूंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसलिए ऊपर क्या होगा किसी भी संख्या के पावर जीरो का मान कितना होगा ए तो दर बराबर केवल किया जाएगा ना। तो हमने कहा समीकरण एक और दो से डी लिख लिया इसका मान एक होता है एक लिख लिया दोनों डी वाला एक पक्ष में नहीं हो सकता है इसलिए इसको हमने यहाँ कर लिया क्रॉस मल्टीपल बोल भाई और ये फिर माइनस इधर चला गया कोई दिक्कत है कहोगे समाकलन कोई आप यही अब पढ़ोगे तो क्या यहाँ समाकलित वेग समीकरण लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है समाकलित वेग समीकरण तो हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे समाकलन पूरे समझ में आया बालक। अगर तुम बायोलॉजी वाले बच्चे हो जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो समाकलन की वैल्यू है अभी जान पाएंगे जब समाकलन के अनुप्रयोग आप पढ़ोगे लेकिन जो बायोलॉजी पोर्शन से रिलेट करते हैं वो अभी जान ले कि समाकलन का वास्तविक मतलब होता है केवल जोड़ देना वास्तविक मतलब होता है केवल समाकलन का वास्तविक मतलब होता है केवल जोड़ देना और समाकलन का कोई मतलब नहीं है। क्या ये बात आपको समझ पड़ रही है पढ़ ले तो देखो ये बाबू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए माइनस के डी टी हो गया हाँ ये तो जेल ही है का है इस जेल में वही बंद होगा इस जेल के अंदर वही होगा जिसके आगे डी लगा होगा जिसके आगे जैसे मान लो अगर डी टी लिखा हुआ और यहाँ लिखा हुआ है यम टी क्यू यम टी ध्यान दो तो क्या टी के सामने डी लगा हुआ है
क्या टी के साथ डी लगा हुआ है? तो इस जेल में केवल टी वाला ही बंद होगा और बाकी सब क्या हो जाएगा? तो क्या बाहर आएगा? टी क्यों अंदर रहेगा? क्या बोलो, समझ आ रहा है? क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो? जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2x4dx ये दिखाई पड़ा? यस सर। है ना, बोलो। यस सर। सेकंड लास्ट, एकदम लास्ट में सेकंड नंबर। चलो बालिके, अभी तक जो पढ़ाया वो समझ में आया? अरे बालिके, इस जेल में कौन बंद होगा? मुंह पहले मास्क हटा, अब बोलो। नहीं नहीं, वो बंद होता है जिसके सामने डी लगा होता है। किसके सामने डी लगा है? एक्स के सामने डी लगा है ना, बैठो, सो रहा है दुआ का, बैठो। एक्स के सामने क्या लगा है? तो एक्स वाला बंद होगा, बाकी सब जो बाहर चला जाएगा। बोलो, समझ आया? ये क्या बात समझ पड़ रही है? ठीक है, अरे बोल यार। कुछ तो बताओ, ये कंसंट्रेशन ए के सामने डी लगा हुआ है और इसके अंदर कुछ और है कि नहीं है? नहीं। है कि नहीं है? नहीं, नहीं। है कि नहीं है? नहीं, नहीं है। तो इस नाते इसमें कुछ बाहर निकलेगा नहीं। इसमें किसके सामने डी लगा है? टी के सामने। तो टी वाला अंदर रहेगा? यस सर। बाकी सब बाहर। ये बताओ, अंदर रहेगा बाहर? बाहर। माइनस अंदर रहेगा बाहर? बाहर। बढ़ा ले तो बन गया ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू माइनस के बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ क्या? ठीक। फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है बाबू, अगर dx होता है तो x प्लस आई, dx होता है तो x प्लस आई, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस आई। तो बताओ, क्या यहाँ पे x था? तो यहाँ पे x आया था। बोलो बोलो बस। ठीक, तो सेम सेम अगर इससे तुलना इसकी कर, फॉर्मूला याद करना है, ठीक ना? इसकी तुलना यदि तुम इससे करोगे तो क्या x की जगह यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ a है? तो यहाँ लिख दोगे कि सीधा सीधा कंसंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा? ठीक। और प्लस में i भी है ना, तो प्लस में i लिख सकते हो, बराबर माइनस k। यहाँ भी x की जगह यहाँ क्या है? तो केवल क्या आ जाएगा? प्लस क्या आ जाएगा? है ना, जब दोनों पक्षों का समाकलन होता है तो i हम दोनों पक्ष में न जोड़कर केवल राइट साइड में जोड़ते हैं। ये बात सुनाई पड़ी? दोनों पक्षों में समाकलन हो रहा है तो आई इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, उसको हम केवल राइट साइड में जोड़ देते हैं। किधर जोड़ देते हैं बाबू? क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आ रही ना, बोलो। अच्छा, अब आप, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हुआ, इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया? आया। टी बराबर जीरो रखो, आई का मान निकाल लीजिए। टी बराबर क्या रखोगे? तो टी बराबर शून्य रखने पर, टी बराबर क्या रखने पर? बाबू ये बताओ कि जब समय टी था तो क्या इसमें टी था? तो यह ए की सांद्रता क्या ये वाली थी? देखो, ए की सांद्रता ये वाली थी। बोलो बोलो, सेम सेम। यहाँ बताओ, अगर टी का मान जीरो रखेंगे तो क्या टी का मान जीरो रखोगे तो ए की सांद्रता हाई वाली हो जाएगी? तो अब इसके जगह ये लिखा जाएगा, मतलब कि क्या लिखा जाएगा? माइनस के, और टी का मान कितना? टी का मान कितना? जीरो। बोलो भाई, आप फिर प्लस क्या? आई। आई जीरो मल्टीप्लाई किया, पूरा जीरो हो गया। तो आई बराबर सीधा सीधा कितना आ गया? ठीक ठीक। अब समीकरण है तीन है, समीकरण तीन से किससे बाबू? जब समीकरण तीन से कहोगे तो यह आई के मान वही रख दो, रख दें। तो यहाँ रखोगे कंसंट्रेशन ऑफ ए है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस के है, कोई दिक्कत नहीं, टी है, कोई दिक्कत नहीं, आई का मान ये रखोगे? प्लस ए नॉट। बोलो बोलो बोलो, हमें के का मान निकालना होता है। किसका मान? जिसका मान निकालना होता है वो लेफ्ट में जाता है, बाकी सब ये माइनस में उधर जाएगा। तो के टी हुआ, इधर प्लस में है। अरे बोलो, इधर आएगा तो उधर प्लस में, इधर आ तो माइनस ए। बोलो, कब कोई दिक्कत है? क्या ये टी गुड़े में है? तो ये के रहने दे,
जब टी गुणे में है तो टी कहाँ आ जाएगा, यानी ए नॉट माइनस ए अपान क्या टी, और यही हमारा है फाइनल फॉर्मूला, है ना। तो आप शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के लिए जो सूत्र होता है वो प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता बटे कितना टी। ठीक ठीक चलो छापते हैं।